गर्मी के सीजन में मात्र 2 महीने मिलने वाला लीची कई बीमारियों के लिए है रामबाण। कब्ज, बीपी से लेकर हार्ट अटैक तक की खतरा को करता है कंट्रोल। गर्मी बढ़ने के साथ ही गुमला के बाजारों में लीची उतर गई है। यह केवल गर्मी के सीजन में मात्र 2 महीने मिलने वाला फल कई बीमारियों के लिए रामबाण है। साथ ही यह स्वाद में भी लाजवाब है। स्वाद के साथ साथ सेहत के लिए भी अच्छा माना जाता है। यह पानी का भी अच्छा सोर्स माना जाता है। गर्मियों में डिहाइड्रेशन से बचने के लिए लोग लीची खाना बहुत पसंद करते हैं। लीची में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, विटामिन ए और बी कॉम्प्लेक्स भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा इसमें पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और आयरन जैसे मिनरल्स भी पाए जाते हैं। लीची हाइड्रेशन को बढ़ावा देने में भी काफ़ी मददगार है। ये फाइबर से भरी होती है जो कब्ज को रोकने में मदद करती है। लीची विटामिन सी से भरपूर है जो कई पुरानी बीमारियों को रोकता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। रोजाना लीची खाने से हमारे चेहरे पर भी निखार आता है। इसके अलावा शारीरिक विकास में भी सहायक है। आइए जाने आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर पंकज कुमार से लीची खाने के क्या क्या फायदे हैं और किन किन रोगों के लिए रामबाण है। आइए जाने संपूर्ण जानकारी उन्हीं की जुबानी। लीची गर्मी का मौसम का एक बहुत ही अच्छा फल है। इसका नियमित रूप से सेवन करने से कई तरह के फायदे होते हैं। स्पेशली गर्मी के मौसम से गर्मी में राहत देने के लिए लीची बहुत सारे विटामिन से भरपूर होता है। बी कॉम्प्लेक्स प्रचुर मात्रा में, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लीची के सेवन से कॉन्स्टिपेशन में जो लोग कॉन्स्टिपेटेड हैं, जिनको मन का शुद्धि बढ़िया से नहीं हो पाता, अच्छे से नहीं हो पाता, उनको भोजन से पूर्व भोजन खाना मतलब खाना खाने से पहले अगर लीची का सेवन किया जाए और भोजन के 1-1.5 घंटे के बाद लीची का सेवन अगर यदि करते हैं तो पेट उनका अच्छा साफ होगा, मल की शुद्धि होगी और बहुत सारे विटामिन से पाए जाते हैं। इसलिए इस मौसम में गर्मी से राहत देने के लिए, गर्मी में जल की पूर्ति शरीर में होने के लिए ये बहुत अच्छा फल है।